हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ जीके क्वेश्चंस जानेंगे जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एंड ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सेकंड क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका आंसर होगा लगभग 71%, 71%, यानी कि 71% जो भाग है पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यानी कि 1885 में हुई थी, एंड कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की कौन थी, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। एंड अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को भारत का बगीचा कहा जाता है। रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक थे महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, जनगणमन भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये पर महात्मा गांधी की तस्वीर किस वर्ष से है? तो भारतीय रुपये पर महात्मा गांधी की तस्वीर सन 1996 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊँचा पर्वत है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको यूज़फुल लगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।